अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब तक तो छोटी भाभी ने बड़ी भाभी की मरम्मत शुरू कर दी होगी, हमें भी जाकर देखना है। चाहे क्या, चलते हैं। ये वापस घर कैसे आ गया? अगर इसने देख लिया कि मंदिरा भाभी इसकी माँ की कुटाई कर रही है, फिर तो मंदिरा भाभी का कार्यक्रम उन्हीं के क्रियाक्रम में बदल जाएगा। शिव, शिव, तुम वापस आ गए, सब ठीक है ना? हाँ बुआ, सब ठीक है, ऐसे ही आ गया। वो हॉस्पिटल जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए घर वापस आ गए। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों? वो हाईवे पे बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत लोग घायल हुए हैं। पर तुम्हें तो पता है ना, हमारा हॉस्पिटल सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, सारे पेशेंट्स वहीं पे आएंगे, तुम्हें भी वहाँ ही होना चाहिए। पर मुझे तो ऐसी कोई न्यूज नहीं मिली। वो ग्रुप में आया ना न्यूज, तुमने नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोग घायल है बेटा, तुम्हारी वहाँ जरूरत हो सकती है, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। और वैसे भी एक डॉक्टर का धर्म होता है लोगों की मदद करना, है ना? हाँ। जनहित ही परम हित है बेटा, है ना? जल्दी जाओ बेटा। जाओ। हाँ। पद्मा, तुम यहीं रुको, कहीं कोई और न टपक जाए। हमको तो जाकर देखना है, आज तो बड़ी भाभी को छोटी भाभी से कोई नहीं बचा सकता है। अब आपको कौन बचाएगा, क्योंकि आप माँ जी की नहीं, आप हमारी रिमझिम दी की भी गुनहगार है। बहुत मजा आ रहा था ना आपको, जब आपका वो घटिया बेटा उसने हमारी दी को थप्पड़ मारा, तो आज देखते हैं कि आप अपनी चोट का कितना मजा लेती हैं। मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरती, समझी? इस बार तो ये बच गई, अगली बार नहीं बचेगी। चली मंदिरा आंटी, हम ना कोई खोखली धमकी नहीं दे रहे, कहा था ना आपसे कि अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा करना अच्छे से आता है हमें। माँ जी को बहुत चोट पहुंचाई है ना आपने, आपकी वजह से चीखी वो, चिल्लाई वो, लेकिन आप चीखेंगी भी आप और दर्द भी आपको होगा, आज हिसाब बराबर होकर रहेगा। तो मारोगी मुझे? हाँ, और वो भी बहुत शौक से। इस मोमेंट का ना हमने कब से इंतजार किया, और पता है मंदिर आरती, जिंदगी में ना ऐसे कुछ ही लोग मिलते हैं जिन पे हाथ उठाने से ना कोई बुरी फीलिंग नहीं आती, ऐसा नहीं लगता कि कोई गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतने पाप किए हैं ना कि आपको मारना पुण्य का काम है। भोलेनाथ खुद हमें आशीर्वाद देंगे। नहीं शक्ति, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ, देखो मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम ऐसी इंसान नहीं हो। लेकिन माँ जी तो आपसे उम्र में बड़ी थी ना, आपने लिहाज किया? हमने चाची जी से सुना है कि सजा देने में ना उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। कंस भी तो बाकी बिहारी जी के मामा थे ना, उम्र और रिश्ते दोनों में बड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका अंत किया।
ठीक उसी तरह जैसे हम आपका अंत करेंगे। देखो देखो शक्ति, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो ना भगवान है ना, तुम तो इंसान हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आप ऐसे बड़ों पे हाथ कैसे उठा सकती हो? ये तुम्हारी परवरिश नहीं है ना? पंडित जी और पंडिताइन जी ने तुम्हें ये संस्कार तो नहीं दिए? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। नहीं शक्ति, हम ये नहीं कर सकते बेटा। आज ही आपको करना होगा। शिशुपाल को भी सिर्फ 100 पाप करने की अनुमति थी, उसके बाद श्री कृष्ण ने खुद उनका वध किया था। हर पापी का एक दिन पाप का घड़ा भरता है, और इनका वो घड़ा भर चुका है माँ। इन्होंने आज तक आपके साथ जितने अन्याय किए हैं ना, उन सबका बदला ले लीजिए। जितनी भड़ास निकालनी है निकाल लीजिए। जितना गलत व्यवहार हुआ है ना आपके साथ, उसका गुबार निकाल लीजिए माँ। हम ये नहीं कर सकते माँ, आपको करना होगा। आज तक इन्हें ये लगता आया है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनकी गलत फहमी दूर करने का एक मौका मिल रहा है, इसे मत गवाइए। इन्हें ये याद दिलाना होगा कि अब इनका आतंक यहाँ कोई नहीं झेलेगा। हर बुरे काम की सजा बुरी ही होती है। हम नहीं कर रहे, नहीं कर सकते। शक्ति, किसके हाथों में बेल्ट थमा दिया तुमने? ये मुझे मारेंगी। ये जो बेल्ट है ना गायत्री भाभी, इसे फेंक दीजिए, कहीं आपके हाथों में मोच ना आ जाए। नहीं माँ, माँ याद कीजिए, याद कीजिए आज तक इन्होंने आपको कितनी बार डराया, कितनी बार धमकाया, आज आप पे हाथ तक उठा दिया इन्होंने। यही वो औरत है जो आज तक डॉक्टर शिव को गलत दवाइयां देती आई है। आज डॉक्टर शिव की जो भी हालत है ना, वो इनकी वजह से है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।